देखो ना, राम जी की कृपा से पूरा घर पावन हो गया है। राम जी की कृपा तो हमारे घर पर हमेशा से रही है ना माँ जी। आज से 28 साल पहले भी इस घर पर राम जी की कृपा हुई थी ना, रामनवमी के दिन। मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? आज से 28 साल पहले रामनवमी के दिन क्या हुआ था माँ जी, बताइए ना, क्या हुआ था आज से 28 साल पहले? बताइए ना माँ जी, आज से 28 साल पहले क्या हुआ था? उस दिन एक हादसा हुआ था। एक मासूम के जन्म को आप हादसा कह रही हैं माँ जी? हाँ, हुआ था जन्म, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं माँ जी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मरा हुआ पैदा नहीं हो सकता। मैं आचार्य जी से मिली थी, जो हमारे परिवार के मृत्यु और जन्म का लेखा जोखा रखते हैं। उन्होंने उस बच्चे की कुंडली बनाई थी और उस कुंडली में उसकी मौत कभी लिखी ही नहीं थी। माँ जी, सच बोलिए, आपके हाथ में बाल गोपाल है, आप मंदिर में खड़ी हुई हैं, आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएंगी। मेरी समझ भी नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो। मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने के लिए आई थी और तुम हो कि मुझसे ही सवाल किए जा रहे। मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ ना माँ जी, वो बच्चा नहीं मरा था ना। वो बच्चा जिंदा था, लेकिन मैंने उसे मरा हुआ मानकर त्याग दिया था। मैं जानती हूँ एक माँ का हृदय सबसे कोमल होता है, पर ऐसी क्या वजह थी माँ जी जो आपको एक नवजात शिशु को त्यागना पड़ा? समझती हूँ आपने अपने दिल पर पत्थर रख के ये निर्णय लिया होगा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इसकी कोई तो वजह होगी, बोलिए ना। हाँ, वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन मैं किसी को कुछ बता नहीं पाई, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं, सब यही सोचते रहे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। छोटी बहू शांतनु। हाँ माँ जी, शांतनु। ये वो मेरा नहीं हो सकता, ये शांतनु, जरूर कोई बहरूपिया है। हे भगवान, तुम कैसे कह सकती हो कि ये वही बच्चा है? और ये सब किसी को कैसे मालूम होगा माँ जी, जो सब बातें आपने मुझे बताई हैं? शांतनु सब जानते हैं, उस नर्स ने उन्हें पाला पोसा, लेकिन साथ साथ ये भी उनसे कहा कि उनकी माँ उन्हें कुल विनाशक समझती हैं। लेकिन ये शांतनु वो नहीं हो सकता, ये कोई धोखेबाज है।
मुझसे ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलकर इस घर में आना चाहता है। हाँ, हाँ छोटी बहू, और ये मैं होने नहीं दूंगी। नहीं, इसे यहाँ से निकालना होगा, उसे यहाँ से जाना होगा, जाना होगा यहाँ से। उन्होंने श्राप दिया था कि ये बच्चा कुल विनाशक होगा। चलो शांतु, अब तुम्हारा इस घर में समय पूरा हो। इतनी देर रहने दिया, इसे एहसान समझो। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, सुनिए ना। कैसे अड़ियल टट्टू हो भाई? अरे और कितना बेइज्जती करवा के निकलोगे यहां से? चाचा जी, ऐसे लोगों को बेइज्जती की फिक्र होती ही कहां है? देखो देखो कैसे बेशर्मों की तरह खड़ा हुआ है। पता नहीं किसका गंदा खून है ये। देव बाबू का देख रहा है? मारिए धक्का, निकाल बाहर करिए। देखा भैया, आपसे नजरें भी नहीं मिलाई जा रही हैं। कहे कि इसके मन में तो चोर है ना, पाप है। मां की तरफ क्या देख रहा? मां तो पहले ही जान चुकी है कि तुम्हारे जैसा नीच इंसान अपनी मां की कोख को अपमानित करता है। अरे ये सब बातें तो राधिका भी पहले चीख चीख कर कह चुकी है, जब वो शांतनु को यहां लेकर के आई थी। पर इस महानुभव ने अब आपको ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी कि आप भी पलटी मार के एकदम तैयार हो गए? वैशाली, छोटी बहू नादान हो सकती है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुमने तो अपनी आंखों से इसका सच देखा है। आंखें कभी कभी धोखा खा जाती है माँ जी, कभी कभी इंसान का दिमाग गलत निर्णय लेता है, और तब ऐसे में मन की आवाज सुननी पड़ती है। और मैं माँ जी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। लगता है उस तस्वीर ने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। वो तस्वीर नहीं, आईना है। उसमें आपको अपना असली चेहरा दिखा होगा, जो डरावना है, भयानक है। माँ जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। जाकर पूछिए अपनी माँ जी से, मतलब अपनी पूजनीय सासू माँ से, कि अपने नवजात बच्चे को त्याग देने वाली औरत को माँ कहना चाहिए कि नहीं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।